राधे और श्याम दो नाम हो गए। दूसरा काम बना राधे श्याम, जो कई दिनों से बाबा के दरबार नहीं जा पा रहे, वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो वो बुलाएगा हाथ जोड़ करके। जब हम कहेंगे राधे श्याम, तुझ तक पहुंचने का कोई रास्ता निकाल दे, कोई तो रास्ता निकाल दे, रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरी बाबा मेरे मालिक भटक रहा हूँ मैं, मेरे बाबा मेरे मालिक भटक रहा हूँ मैं, जैसे बहुत बड़ी मीटिंग लग रही है, बहुत गंभीर मुद्दे डिस्कस होने हैं, तो जो ऊपर ऊपर की बातें होंगी वो सबसे कर ली जाएंगी, बाकी कहेंगे मीटिंग बर्खास्त। दो चार दिन तुम बैठ जाओ, रुक जाओ, तुमसे कुछ ज्यादा जरूरी बात करनी है। तो ये जो बैठे हैं ना, ये अपने आप नहीं बैठे हैं, और आपको अपने आप को साधारण मनुष्यों में गिनती करना भी मत। आप उन साधारण मनुष्यों में नहीं हो जो रोटी खाई पेट भरा सो गए, बालक बच्चे पैदा कर दिए, गृहस्थी चला दी, वंश बढ़ा दिया। भाई ये तो चार पैर वाले जीव भी कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, उनका भी वंश बढ़ता आ रहा है। जिनका नहीं बढ़ाना था ना, भगवान ने डायनासोरों का मार के नाश कर दिया, हड्डियां ही मिल रही हैं, बाकी तो सब सबके वंश बढ़ रहे हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क है? आप में और उन मनुष्यों में ये फर्क है कि जिनको पार्टी में जाना हो तो चार दिन पहले से ड्रेस डिसाइड शुरू हो जाती है, कौन सा पहन के जाना, ये भी कपड़े नहीं होते, अलमारी भरी कपड़े नहीं है। अच्छा तुम क्या पहन के जाओगे, तुम क्या पहन के जाओगे, बच्चे क्या पहन के जाएंगे, हम क्या पहन के जाएंगे। फिर उसके बाद फिर डीजे में से लोगों को हटाना पड़ता है थोड़े से, और हम भी नाचेंगे। फिर नाचने के पीछे लड़ाई हो जाती है, माल कुटाई हो जाती है। ये उनमें से नहीं है, आप लोग उनमें से नहीं हो। देखो तो वो किस कैटेगरी में चले गए हैं कि भगवान ने सोच लिया अगली बार इसको दो पैर नहीं देने, दो पैर का काम नहीं किया इसने, इसने नहीं किया है दो पैर देने का काम, अगली बार ये चार पैर वाली कैटेगरी में। धर्मराज लिख दो, ऊपर गए तो बोले आ गई लाली, तेरे तो पूरा रजिस्टर पड़ो खाली, खाली पन्ने दे दिए सारे, और लड़ाइयों के सारे भरे हैं, चुगलियों के सारे भरे हैं। ये उनकी बात है, उधर जहाँ हम कहते हैं। एक बात, एक भजन सुना है ना आपने, जो उरली परली पार वाला, वो वही वाली बात है।
सावरिया ली चल परली कलकत्ता के अंदर जैसे हम अब ये कोई ये तो नहीं है कि हम यहाँ पर ही ये पहन के आए हैं, बस घर पे थोड़े हल्के वाले हैं वो पहन लेते हैं, जब सफर में थोड़े हल्के पहन लेते हैं। तो आगे से तीन चार लड़कियों का झुंड आया, हल्ला मचाता हुआ एयरपोर्ट पे। अब हमारे हाथ में ठाकुर जी, हमको देख के हंसे, इनको देखो इनको देखो। अब मैं थोड़ी देर तक उनको देखती रही, फिर मैं भी बोली, मैंने कहा इनको देखो। वो बोली आप कहाँ से आए? मैंने कहा तुम कहाँ से आए हो? मैं तो भारतीय हूँ, भारत से ही आई हूँ, तुम कहाँ से आए हो? पूरी इतने सारे कपड़े पहन के आपको गर्मी नहीं लगती? मैंने कहा तुम्हारे कपड़े इतने छोटे छोटे होते जा रहे, तुमको सर्दी नहीं लगती? हम तो अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। नमन है मेरी इस मातृशक्ति को, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जिनके सिर पे से चुन्नी नहीं गई है अभी तक, सूट सलवार साड़ी लहंगा चुन्नी, सोचो चांदनी चौक में से अगर महिलाएं लहंगा चुन्नी सूट साड़ी पहनना छोड़ के, चांदनी चौक की कितनी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारा चांदनी चौक बंद हो जाएगा ना। तो महिलाओं ने, मेरी माता बहनों ने केवल संस्कृति नहीं बचा के रखी हुई है, व्यापार भी बचा के रखा हुआ है। और तो और मोदी जी, हमारे भारत की महिलाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी बचा के रखा हुआ है। ये श्रृंगार करना छोड़ गए तो पूना बाजार बंद हो जाएगा, 75% बाजार बंद, वो उनके जैसे वो एक जींस और एक टॉप में एक महीना निकाल देते हैं। नहाने का भी खर्चा बंद, शैम्पू का भी खर्चा बंद, निकले बराबर से तो ऐसी दुर्गंध आए, और उसको वो कहें हम फैशन, ये फैशन है। हिंदी उनको आती नहीं, अंग्रेजी हमको नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, भारतीय संस्कृति के बारे में उनको कुछ पता नहीं। देखने से हिंदू लगते हैं, बोलते नहीं अंग्रेज लगते हैं, लेकिन शक्ल से तो हिंदू है। पर ना हिंदू बचे ना अंग्रेज रहे, पता नहीं है कौन सी तीसरी जनरेशन आ गई। क्यों भाई? जिनको राम का पता नहीं, श्याम का पता नहीं, हनुमान का पता नहीं, जिनको रामचरितमानस कर तो छोड़ दो, जिनको हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं यही नहीं पता। वो इतना पता बस राम जी थे, वो वनवास गए, लक्ष्मण वो रावण सीता जी को हार के ले गया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, राम रावण का युद्ध हुआ। और वो भी बहुत सबसे, ये हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि सबको पता होगा, वो जो दो चार बार जिनके माँ बाप जिक्र कर देते होंगे वो भी। और मैं आपको यकीन दिला के जा रही हूँ, आप देखेंगे हम रहे ना रहे, तेरा दरबार यूं ही सजता रहे, तेरा श्रृंगार यूं ही लगता रहे, हम रहे ना न रहे इस दुनिया में अशाम, तेरा कीर्तन सदा सदा यूं चलता रहे। ओ शाम जारेगी। तो देखो, जिसने अपने बच्चों को रामायण दिखा दी 1990 में, अब वो माँ बाप अभी भी अपने घर में बैठे हैं, सासू जी बैठी चार पाई पे, चाय नहीं आई अभी तक। वो 90 वाले जिनके बच्चों ने रामायण देखी है, और अब के वालों से आप कह दो जरा, मम्मी चाय नहीं बनाई अभी तक, बच्चे कह रहे हैं उल्टा। पहले माँ बच्चे को डांटती थी, बच्चा चुप हो जाता था, अब बच्चा जोर से चिल्लाते माँ कहते पड़ोसियों को पता चल जाएगा इनका बच्चा कितना गुस्से वाला है।
ये, लेकिन लौट के आ रहे हैं, अब लौट आए हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, ये छोटी वाली, ये आ रही है जो कीर्तन में, ये जो आ रही है ये सुन रही है, क्योंकि आज से 20-25 बरस पहले कीर्तन का स्वरूप कुछ और ही कर दिया था, केवल मनोरंजन का साधन हो गया था कीर्तन बस। भगवान के विषय में बातें इतनी, बाकी अपनी बातें सारी। हरि केशव नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि कि आज मैं भगवान के लिए नाचू, मेरे प्रभु के लिए नाचू, जैसे मीरा नाची थी, किसी की परवाह नहीं करी, महल चौबारे सब छोड़ दी, राघो जी घर पास थे, कहीं साथ ले जाओ, आज मठे ही पड़े सब कुछ चित्तौड़गढ़ में, मीरा आज भी जीवित है। अच्छा एक बात बताऊं, इसके मम्मी पापा तो सोच रहे होंगे मेरा बेटा है ना, लेकिन कोई नहीं जानता है, क्या बताऊं किस रूप में आया है ये, ना हम जानते हैं ना तुम जानते हो, किसका रूप ले गया, क्या अपना इनका बच्चा पीछे सो रहा वो आ गया इतनी देर में, आगे चला गया, बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी ही बात है। मेरी और मोहन की बातें मैं जानू या हो जाने, मेरे और मोहन की बातें मैं जानू या हो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानू या हो जाने, मेरे और मोहन की बातें मैं जानू या हो जाने, निमे नचना निमे नचना निमे नचना जा
कहाँ गए सारे?